गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि अब आप एक वर्ष तक कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं और किसी मंदिर में जाकर के दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी ये बात ठीक है? किसने कहा? किसी पंडित जी ने? किसने पूछा ये? जतिन भारद्वाज। जतिन भारद्वाज, तो ये पंडित जी गलत। ये पहली बात तो अगर पंडित जी थोड़े से व्यावसायिक बुद्धि के हैं तो भी बेचारे असफल हैं, अपने धंधे को मनाई कर रहे हैं। अरे कम से कम बंदा आता जाता, कुछ दान दक्षिणा कर जाता मंदिर में आकर के, कुछ चढ़ावा चढ़ा देता, पंडित जी की धोती ले आता, लंगोट ले आता, कुछ तो पंडित जी को खुशी मिलती है, एक आध किलो बताशे बूरा कुछ ले आता, दूध दूध की थैली, तो कुछ तो बेचारों का काम चलता। पहले तो अपने दुकान ही बंद कर ली। और दूसरी बात यह कि आप मुझे बताएं कि अगर कोई सूतक पातक लगा, चलो इसे दूसरे ढंग से समझाता हूँ जिस तरह से आप जल्दी समझते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि आपके घर पर हमला हो गया, आपके घर पे हमला हो गया, या घर में आग लग गई, या घर में कोई दुर्घटना घट गई, या कुछ भी अशुभ हो गया। आप अपने पड़ोसी को, अपने शुभचिंतक को, अपने जानकार को, अपने घर में बैठे हुए किसी बलशाली आदमी को, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को, पुरुष को, स्त्री को, उस समय आवाज़ मारेंगे या उससे एकदम देख करके छिप जाएंगे और भाग जाएंगे कहीं अंदर, कहीं चुप हो जाएंगे? उस समय तो आप पुकार देंगे ना उससे कि मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प करिए, या आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तो वो उस तरह से चीज़ें चलती हैं। अब वो, अब इसमें मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आती है, उससे और समझाऊँ आपको। एक बूढ़ा और बुढ़िया सो रहे थे रात को, उनके घर में चोरों ने सेंध लगाई और चोर घुस गए। अब बूढ़े ने देख लिया, धीरे से बुढ़िया को बताया कि बराबर वाले कमरे में बर्तन खटक रहे हैं, कोई चोर घुस गया। झांक के देख भी लिया कि अब चार पांच आदमी घुसे हुए हैं, पांच सात आदमी, और सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, बोरों में भर भर के ले लेकर के कुंबल लगा करके नीचे से लेके जा रहे हैं। तो दोनों ने, बूढ़े बुढ़ियों ने बात करनी शुरू की, तो आपस में बात करने लगे, तो थोड़ी जोर जोर से। चोर भी जब उन्होंने बात करनी शुरू की, चोरों ने खटपट बंद कर दी। तो कहने लगे, एक बात बता, तुमने, हमने जो है इतने समय हमारे विवाह को हुआ, अच्छा हुआ हमारे घर कोई, मतलब कितना बुरा हुआ हमारे घर कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान हो जाती तो कितना अच्छा होता। तो बुढ़िया कहती, संतान नहीं हुई तो परमात्मा की लीला, हम क्या कर सकते हैं। बोले, अच्छा चलो कल्पना करके देखो कि अगर बाई देवे हमारे घर संतान होती तो तुम उनका क्या नाम रखते। तो कहता, मैं रखता उसका नाम छोटू। बोले, अच्छा। फिर वो उससे पूछती है कि, पति पूछता है अपनी पत्नी से कि अच्छा संतान हुई तुम उसका क्या नाम रखती। तो मैं उसको, उसका नाम रखती, वो कहती मैं उसका नाम रखती रानी, बेटी होती उसका नाम रानी रखती। तो वो दोनों को, दोनों फिर कभी अगर ऐसा होता कि हमारे घर कोई आक्रमणकारी घुस जाते, कोई चोर उचक्के घुस जाते, तो फिर हम क्या करते, और हमारे बच्चे बराबर वाले कमरे में सो रहे होते। तो बोले, मुंडेर पे जाकर के ऐसे आवाज़ लगाते कि छोटू रे रानी री आओ, चोर घुस गए, छोटू रे रानी री। और छोटू पड़ोसी में रहता था, रानी बराबर में रहती थी, वो दोनों ने आकर के सारे चोरों को पकड़ लिया। चोर जब तक बैठे हुए कहानी सुन रहे हैं, तो उन्होंने जाके मुंडेर पे आवाज़ लगानी शुरू की कि हम ऐसे बात करते, ऐसे जाके शोर मचाते अगर हमारे घर चोर आ जाते कि छोटू रे आओ बचाओ, रानी री आओ बचाओ। वो छोटू भी आ गया, रानी भी आ गई, और 10-20 लोग गांव पड़ोस के आ गए, सब ना के चोरों को दबोच लिया। समझ ही नहीं पाए, चोर तो चोर ही बेचारे। अब बुढ़े, अब जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, कहियाँ हो जाते हैं, खलीफा हो जाते हैं, घाघ हो जाते हैं, अनुभव ज़्यादा होता है उनके पास। आपकी बात थी कि हम ऐसे समय में पुकार दें कि ना दें, ये गलत परंपराएँ हैं। आप जब दुख में, अगर पहली बात तो वो व्यक्ति एक अनंत की यात्रा पर गया है, वो पिता है, भाई है, पुत्र है, पति है, मित्र है, सखा है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, वो अनंत की यात्रा पर गया है, उस समय तो और भी अधिक पाठ करने की ज़रूरत है आपको, उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसके सुख में गमन के लिए, उसके अगर पुनर्जन्म, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है, उसके पुनर्जन्म की सकुशल प्रतिष्ठा के लिए, शांतिपूर्वक उसके पुनर्जन्म के लिए, और अगर पुण्यात्मा थी तो उसके मोक्ष के लिए, जो भी विधान हमने चुने उनके लिए, तो हमें और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है, या उसमें प्रार्थना बंद कर देने की जरूरत है? ये अजीब सी बात है, ये कोई, इसमें तो कोई लॉजिक भी समझ नहीं आता। ये बात वो थी कि घर में शुद्धि या शुद्धि हो गई कुछ। अब पंडित जी को, बेचारों को, अब ज्यादातर पंडित पुराने समय में किसी को क्षमा और ये हो जाते थे, क्षय रोग हो जाते थे, दमा और क्षय रोग हो जाते थे पहले लोगों में, जहाँ डेड बॉडीज होती थी, इतने क्लीन की व्यवस्थाएं थी नहीं, कच्चे घर थे, झोपड़ियाँ थी, मकान थे, दो दो चार चार छः छः महीने तक, एक एक महीने तक सफाइयाँ नहीं होती थी, धो उसको सकते नहीं थे, गोबरी पोत के लोग रहते थे। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी जगह जा करके अनहाइजीन है, वहाँ से कोई संक्रमण हो सकता है। डेड बॉडी दो दिन तक रखी रही और वो भी बीमारी में मरी, छः साल से वो आदमी बीमार था, तपेदिक से, दमे से, टीबी से, तो हमें भी बीमारियाँ लग जाए। उन्होंने कहा जी ऐसे में पूजा पाठ बंद है जी,
अब वो जमाना चला गया, वो लोग चले गए, वो बीमारियां चली गई, वो परिस्थितियां चली गई, तो ऐसे पुरोहितों को भी चले जाने दो। नेक्स्ट। Yeah.